अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नसीर अलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। तो जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक हमारे पास लेक्चर है ना, वो मैंने आपके लिए शुरू किए गए हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, और जो मेन इंपॉर्टेंट इसकी टर्म्स है ना, वो सीखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स करने से पहले। तो आज इसकी हमारे पास तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आप कुछ टर्म्स सीखेंगे, उनको आपने कह लें कि ये आपकी डेफिनेशंस भी हो जाएंगी फर्स्ट यूनिट की, ठीक है जी। तो उन डेफिनेशंस को आपने, ये थोड़ी सी मैंने अपने से ईजी करके चेंज करके लिखी हैं, कुछ बुक वाली हैं, कुछ मैंने ईजी करके लिखी हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है जी, पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, ये सीखना हर बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है जी बिज़नेस एंटिटी। बिज़नेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। एनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड बिज़नेस। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो, उसको हम बिज़नेस कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि एनी लीगल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। अगर कोई ऐसी सरगर्मी जो आप मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते, वो बिज़नेस नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, एनी लीगल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, बिज़नेस की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की कितनी किस्में होते हैं आप इसमें पढ़ेंगे। बिज़नेस की इधर हमारे पास 3 किस्में हैं। एक है सेलिंग सर्विसेज, ऐसे बिज़नेस मैन जो सिर्फ सर्विस मुहैया करते हैं, यानी कि चीज़ें ना खरीदते हैं ना बेचते हैं, उनका काम है सिर्फ सर्विसेज मुहैया करना। जैसे लॉयर्स हो गए, सिर्फ अपनी खिदमात देते हैं, टीचर्स हो गए, उसके बाद डॉक्टर हो गए, फिर ये आपकी जो टेलीकॉम कंपनी है ये हो गई, बैंकिंग हो गई, उसके अलावा ये जो बारबर शॉप है आपकी, सलून, ये हो गया, ठीक है जी। ऐसे तमाम मदारे जो सिर्फ अपनी खिदमात देते हैं, ठीक है जी। कोई चीज़ आप उससे ख़रीदने नहीं जाते, आप जाते हैं, वो आपको जो भी आपकी खिदमत उन्हें करनी होती है वो कर देते हैं, तो आप आ जाते हैं वापस। इसको हम कहते हैं जी सेलिंग सर्विसेज, वो अपनी खिदमात जो है वो फरोख्त कर रहे होते हैं। सेलिंग गुड्स, ऐसे बिज़नेस जो चीज़ों को ख़रीदते और बेचते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके मोहल्ले का जो ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पर आपको तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, तो वो सबसे बड़ी मिसाल है सेलिंग गुड्स हैं, सर्विस गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तीसरी किस्म है हमारे पास ऐसे बिज़नेस की जो खुद अपनी चीज़ें बनाते हैं और फिर आगे उनको सेल करते हैं, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स की। अब हमारे पास टाइप्स बिज़नेस कितनी आ गई हैं, सर्विसेज जो हमें सर्विसेज मुहैया करते हैं, सेलिंग गुड्स जो हमें गुड्स मुहैया करते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यानी कि चीज़ें नए सिरे से बना कर उनको सेल करते हैं। 3 किस्म का कारोबार हो सकता है, ओके जी। उसके बाद फार्म्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की जो है कितनी फार्म्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आप अपनी दूसरी बुक में भी पढ़ेंगे कॉमर्स में, जिसे हम असूल तजारत कहते हैं, ठीक है जी। वो तो आप डिटेल में इनके ऊपर एक एक पूरा चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे, लेकिन इधर भी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, इसका तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप से मुराद ऐसा बिज़नेस होता है विच इज़ रन बाय ओनली 1 पर्सन, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे की जो निगरानी में चल रहा होता है, सारे का सारा मुनाफा उसी का होगा, सारे का सारा नुकसान उसी का होगा, वो खुद अपने सारे फैसले करता है, जब चाहे वो कारोबार को ओपन करे, जब चाहे उसको क्लोज़ कर दे। इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही इसके ऊपर टैक्स लगते हैं, ओके जी। सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल, ठीक है, सिंगल ऑनर जो है, ये हमारे पास जो है क्या होगा जी, वाहद मलकियती कारोबार, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है जी, और वाहद मलकियती कारोबार हम इसे उर्दू में कहेंगे।
हाँ सिंगल और सोल प्रोपर्टनरशिप है। मैं ये चेक कर रहा था कि सिंगल के आगे कुछ के और भी वर्ड तो नहीं यूज़ किया हुआ, लेकिन हाँ फिलहाल सिंगल ही है। इसके मेन जो वर्ड यूज़ होता है वो यही है, सोल प्रोपर्टनरशिप। और उर्दू में यूज होता है वाहद मिल्कियती कारोबार, ऐसा कारोबार जो सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी में चल रहा हो और वही उसके सारा प्रॉफिट और सारे नुकसान का जिम्मेदार होता है, तो इसको हम सोल प्रोपर्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, ऐसा कारोबार जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद हो जाएं तो वो मिलकर कारोबार करें, तो इसको हम सोल प्रोपर्टनरशिप कहते हैं। अगर आपने शराकत को पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना है ना, तो 1932 का जो ऑर्डिनेंस है ना, इसके मुताबिक आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गई रही जाइंट स्टॉक कंपनी। जाइंट स्टॉक जो कंपनी है ये, इसमें जो मेंबर्स हैं ना ये ज़्यादा होते हैं पार्टनरशिप की निस्बत, ठीक है। और ये खुद अपनी एक कानूनी हासियत रखती है, इसको हम 1984 का ऑर्डिनेंस है ना उसके मुताबिक हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके मैं पब्लिक पर जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसके बाद इसकी किस्में हैं कि मेंबर्स की तादाद हर एक में डिफरेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर में मेंबर की तादाद अनलिमिटेड होती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जो कम लोग होते हैं वो मालिक नहीं होते, वो उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है जी। कंपनी की अपनी कानूनी हासियत होती है, कंपनी अपने नाम से चीज़ें खरीदती है बेचती है, अपना नाम यूज़ करेगा उसकी चेक बुक पे, उसके लेटर पैड पे कंपनी के नाम के ऊपर होगा। अगर कंपनी के ऊपर कोई केस होगा तो वही कंपनी के नाम के ऊपर होगा, उसके जो ऑनर होगा उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है जी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये बड़ी कंपनी होती है तीनों की नस्बत, और ज़्यादातर आपको मार्केट में यही मिलती है जो बड़ी कंपनी होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीन किस्में थी, सिंगल या सोल प्रोपर्टनरशिप, पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिज़नेस की तारीफ की है, बिज़नेस की टाइप्स और फार्म बिज़नेस की हमने डिस्कस कर ली, ये फर्स्ट टर्म थी, और ये इसकी टाइप्स वगैरह एक्सप्लेन करना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको कर दिया। फर्स्ट टर्म होगी, अब आप आ जाइए जी सेकेंड टर्म के ऊपर। सेकेंड जो टर्म है हमारे पास, गुड्स और मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब भी चीज़ें ही होता है और गुड्स का मतलब भी चीज़ें ही होता है। अकाउंटिंग हम वैसे तो हम कहते हैं अशिया, ठीक है आम जबान में, लेकिन अकाउंटिंग की एक खास लैंग्वेज है, उस खास लैंग्वेज में इन वर्ड्स को जो है वो एक खास इसका मीनिंग है अकाउंटिंग की ज़बान में, वो क्या है, एनीथिंग विच हैज़ बीन परचेज और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीदते हैं बेचने के लिए, उसको हम गुड्स और मर्चेंडाइज कहेंगे। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है उसको अपना ज़ाती इस्तेमाल आपने कर लिया है, तो वो जो है गुड्स और मर्चेंडाइज में नहीं आएगी, उसका बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, वो आपका ज़ाती इस्तेमाल है, ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खरीदें, एनीथिंग विच हैज़ बीन परचेज और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस, तो इसको हम कहेंगे जी गुड्स और मर्चेंडाइज। नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेज। परचेजेज से क्या मुराद है, हम वैसे तो हम जो है आम जबान में कहते हैं जी हमने परचेज़ कर ली, चीज़ खरीद ली है, ठीक है जी। तो लेकिन अकाउंटिंग में जो है इसका एक ख़ास मतलब है, इसको आप देखेंगे व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट इन अ बिजनेस इट इज़ कॉल्ड परचेजेज। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आपने बाद में बेचना हो, सेलेबल गुड्स, ठीक है, और बॉट इन अ बिजनेस इट इज़ कॉल्ड परचेजेज। मतलब के फ़र्ज़ करो जी मेरा बिज़नेस है बुक्स का, फ़र्ज़ करें मेरी बुक्स की शॉप है, मैं जाता हूँ बुक्स लेके आता हूँ अपनी शॉप पर रखता हूँ, फिर वहाँ से मैं सेल कर लेता हूँ, वो मैं कहता हूँ जी मैंने परचेजेज की है, ओके जी। अगर मैं जाके फर्नीचर खरीदता हूँ, मुझे एक डेस्क की ज़रूरत है, मैंने अपने शॉप में रख लिया, वो जो है मेरी परचेज़ नहीं होगी, क्योंकि उसको मैंने सेल नहीं करना, उसको मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखना है, बिज़नेस के यूज़ के लिए रखना है, तो फर्नीचर ज़्यादा ज़्यादातर यूज़ होगा, वो हमारा एसेट बन जाता है, ठीक है जी। तो परचेजेज वो चीज़ होगी जो आपने खरीदी है और उसको दोबारा बेचना हो, इस नीयत से आपने खरीदा हो, यानी कि आपका बिज़नेस ही हो। लाजमी नहीं है कि ये परचेजेज हर बंदे के लिए सेम ही हो, ज़ाहिर है जैसे ये मैंने बुक्स की मिसाल दी आपको, जैसे फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाले को ज़रूरत पड़ गई है बुक्स की पढ़ने के लिए, उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी है, तो वो ज़ाहिर उसने बेचनी नहीं है, तो वो उसकी परचेज में नहीं आएगी, ठीक है जी। कैश परचेज सिंपल सी टर्म है ये, ना सिर्फ ज़ाहिर ऐसी चीज़ें जो हम कैश से खरीदते हैं,
ये मैंने थोड़ी डेफिनेशन इजी कर दी है बच्चों के लिए। इफ़ गुड्स हैज़ बीन परचेज ऑन कैश बेसिस इट इज़ कॉल्ड कैश परचेजेस। अगर चीज़ों को हम उसी वक्त जाके कैश पेमेंट करके साथ ही चीज़ें वापस ले आएँ तो वो हमारे पास क्या होगी, कैश परचेजेस। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज से क्या मुराद है, क्रेडिट मतलब उधार, कोई भी ऐसी अशिया जो हम उधार लेते हैं उसको हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। इफ़ गुड्स हैज़ बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेज। यहाँ पर कैश बेसिस है और वहाँ पर क्रेडिट बेसिस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जिनको हम जाके उधार खरीदते हैं, इनके पेमेंट इन फ्यूचर करेंगे, पैसे नहीं हम देते हैं, या कुछ पैसे दे जाते हैं कुछ रह जाते हैं, तो वो जो रह जाते हैं वो ज़्यादा क्रेडिट परचेज में आ जाते हैं। ओके जी। अब हमारे पास आ गई नेक्स्ट सिक्स वाली जो है टर्म, वो है परचेजेस रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड, दो नाम है इसके। बाद अब आप वो क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड यूज़ कर देता है, ठीक है जी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी आउटवर्ड का क्या मतलब है, परचेज रिटर्न से तो आपको पता चल जाएगा। तो रिटर्न आउटवर्ड देखें, जो चीज़ आपने खरीदी है ना, आपने पास रखी है, उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आए हैं या वो उसका चीज़ सही नहीं आई, साइज़ का फ़र्क आ गया, कलर का फ़र्क आ गया, तो आपने वो चीज़ वापस भेज दी है। पहले परचेज़ की थी आपने, वो इन हुई थी, तो जब आपने वो वापस की नहीं तो आउट हो रही है ना, इसलिए हमको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सेलर ड्यू टू सम रीजंस इट इज़ कॉल्ड परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है जी। इनके जब हम चीज़ों को किसी रीज़न की वजह से सेलर को वापस कर देते हैं ना, आपके साथ भी ज़हर हुआ होगा इतफाक़न, कुछ ना कुछ तो हो जाता है, कोई चीज़ आपने दी आपको पसंद नहीं आई या आपको साइज़ नहीं ठीक हुआ, तो आप उसको जाकर वापस कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, परचेज रिटर्न। तो फिर आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, आप रिटर्न आउटवर्ड करने जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास छः टर्म्स हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद और जितनी हम कवर कर सकें वो करेंगे। तो आपने इन टर्म्स को अच्छी तरह याद करना है, इनकी डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें, होमवर्क कर लें, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप एक दफ़ा वीडियो देखें और आपको याद आ जाएँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआ में याद रखना। जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।